ओवर कट गया और डीजल हमारा लोकोमोटिव लग गया। फ्रेंड्स देखें, जम्मू तवी अजमेर गाड़ी भी निकल गई। IRCTC द्वारा हर स्टेशन पे यार ये लगाना चाहिए। कितने का कचोरा है भैया? पूरा 50 का था। ट्रेन गुजरती हुई ओखा वाराणसी गाड़ी जा रही है फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड 497 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपन लोग आ चुके हैं अजमेर। राजस्थान की बॉर्डर को टच करेंगे, यहाँ से आगे राजस्थान लग जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स क्यू ट्रैक का नज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हालचाल है फ्रेंड्स आप लोगों के? यार इस वक्त हम लोग हैं रतलाम जंक्शन में और हम लोग यात्रा कर रहे हैं रतलाम से जोधपुर तक की। गाड़ी नंबर की बात की जाए तो इस ट्रेन का नंबर है 14802, जो कि इंदौर से सुबह 4:30 बजे चलती है और जोधपुर तक जाती है फ्रेंड्स। तो पूरी जर्नी देखते हैं हम आगे की, तो बने रहे मेरे साथ फ्रेंड्स। रतलाम जंक्शन से हमारी गाड़ी जोधपुर के लिए निकल चुकी है और आने वाले स्टेशन खूब शानदार आने वाले हैं, तो जर्नी में बने रहें और मजे लें फ्रेंड्स। और ये देखें ये फ्रेंड्स, इधर दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे आप देख सकते हैं सीधे ये गाड़ी कटरा बांद्रा। और इधर की बात की जाए तो सीधे फ्रेंड्स हम मुंबई लाइन, मुंबई दिल्ली लाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सीधे दिल्ली लाइन को छोड़ते हुए हम लोग जो वाया नागदा कोटा होते हुए सवाई माधोपुर होते हुए मथुरा के लिए निकलती है। और फ्रेंड्स ये सामने जो ऊपर ब्रिज देख रहे हैं यही है यहाँ का रतलाम का क्यू ट्रैक, जिसके ऊपर से हमारी गाड़ी अभी पूरा टर्न लेके ऊपर से जाएगी, जो कि सीधे मंदसौर वाली लाइन पर कनेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स इसी ब्रिज के ऊपर से हमारी ट्रेन जाएगी। वेब 4 का इंजन लगा हुआ है फ्रेंड्स हमारी गाड़ी में। ये देखें फ्रेंड्स क्यू ट्रैक का नज़ारा, पूरा गोल्ड टर्न ले चुकी है यार हमारी गाड़ी, पूरा गोल्ड ट्रैक क्यू ट्रैक है ये। और फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग दिल्ली बॉम्बे लाइन के ऊपर से गुजरते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स यहीं से हमारी ट्रेन गई थी नीचे से। और ये देखिए ये नीचे से ट्रेन गुजरती हुई ओखा वाराणसी गाड़ी जा रही है फ्रेंड्स। वाओ, बहुत ही शानदार सनराइज होते हुए यार सुबह का शानदार सा दृश्य देख सकते हैं आप। पहला स्टेशन रतलाम के बाद जो कि है जावरा, स्टेशन कोड JAO और टाइम से 5 मिनट लेट हो चुके हैं। और देख सकते हैं जावरा स्टेशन का नज़ारा, काफ़ी भीड़ है। जावरा की प्रसिद्धि की बात करें तो यार यहाँ पे हुसैन टेकरी काफ़ी फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं फ्रेंड्स। और आगे के स्टेशन की बात करें तो मंदसौर आएगा और आप जर्नी देखते जाएँ फ्रेंड्स। ये है हमारा कोच की पोजीशंस।
गंगा नदी। सुबह के 7:57 पे पहुंच चुके हैं हम लोग पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में यार, और यहाँ पे भव्य पशुपतिनाथ जी महादेव का शिवलिंग है, बहुत शानदार मंदिर है, उस शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स। और हमारी गाड़ी टाइम से 10 मिनट लेट, लेकिन शानदार चल रही है गाड़ी और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। अब आगे के स्टेशन की जर्नी देखते जाइए फ्रेंड्स। ये है मंदसौर रतलाम चित्तौड़गढ़ डेमो गाड़ी, जो कि मंदसौर से प्रस्थान हो रही है रतलाम के लिए। फ्रेंड्स 8:45 पे करेक्ट अपने राइट टाइम पे आ चुके हैं नीमच। और फ्रेंड्स नीमच की खास बात, मध्य प्रदेश का आखिरी शहर, उसके बाद अपन राजस्थान की बॉर्डर को टच करेंगे, यहाँ से आगे राजस्थान लग जाएगा। अधिकतर लोग भादवा माता आने के लिए यहाँ पे उतरते हैं, और ये है हमारी ट्रेन इंदौर जोधपुर। और आगे की बात करें तो निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ आएगा, तो देखें बने रहें। नीमच के प्लेटफॉर्म 2 का नज़ारा, फ्रेंड्स आ चुका है निम्बाहेड़ा। हम लोग मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं, और निम्बाहेड़ा बेसिकली यहाँ पे सीमेंट की, जेके सीमेंट की फैक्ट्री है जो काफ़ी फेमस है। और उसके अलावा यहाँ पर सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए भी लोग श्रद्धालु उतरते हैं फ्रेंड्स। चल रही है हमारी गाड़ी, साइड लोअर मिला हुआ है फ्रेंड्स मेरे को, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। देख सकते हैं आप, निम्बाहेड़ा के बाद से सारी जगह पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ ही देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। और नीमच
से जो दोहरीकरण का काम हुआ है, तो अभी नया नया वर्क हुआ है, उस कारण से भी पूरा धूल मिट्टी उड़ रही है। हवा पे उड़ाते हुए गई हमारी इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी। से देखें सामने चित्तौड़गढ़ का किला फोर्ट। दस बज के 10 मिनट पे अपने करेक्ट टाइम पे चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे ट्रेन ने लगा दिया है, बिल्कुल राइट टाइम पे चल रहा है फ्रेंड्स। और चित्तौड़गढ़ एक जंक्शन भी है, यहाँ से सीधे एक उदयपुर के लिए वाया मावली होते हुए एक लाइन गई है और एक कोटा तरफ लाइन गई हुई है जिससे हम कोटा जा सकते हैं। और दूसरा हम लोग जो सीधी हमारी गाड़ी जा रही है अजमेर के लिए। और चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्धि की बात करें फ्रेंड्स, तो चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ फोर्ट काफ़ी फेमस है, मैंने आपको बताया भी है, सामने से ही दृश्य दिखता है ऊपर पहाड़ पर पूरा किला। खैर मोबाइल पर वो कैप्चर नहीं हो पाएगा, बट चित्तौड़गढ़ का किला हमारी रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहा है। सामने फ्रेंड्स देख सकते हैं आप किले का नज़ारा। रतलाम उदयपुर फ्रेंड्स, उदयपुर से रतलाम के लिए समय से 20 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग भिलवाड़ा स्टेशन। 11:16 पे हमको भिलवाड़ा स्टेशन पे लगा दिया। कुछ स्टेशन पे 5 से 10 मिनट लेट हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो टाइम कवर किया एकदम फास्ट गति से आई और भिलवाड़ा हमें लगा दिया। देखते हैं यार भिलवाड़ा में कैसा क्या है। ये देख सकते हैं आप स्टेशन का नज़ारा, ये है पानी की दुकान। देखें यहां से बॉटल भर सकते हैं 300 ml 2 रुपये में। ये देखें 1.5 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर, सबके प्राइस लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सीधे 5 रुपये में यार मैंने पानी पूरी 1 लीटर भर लिया। शानदार, ठंडा है, चिल्ड है, 5 रुपये में 1 लीटर का पानी, यार बढ़िया यार। ऐसे ही IRCTC द्वारा हर स्टेशन पे यार ये लगाना चाहिए गर्मी में, ताकि
हर व्यक्ति को सस्ते से सस्ते पानी मिले। यहाँ पे अमूल पे चलते हैं हम। ये अमूल कुल का दूध कितने का भैया? 25 रुपये। फ्रेंड्स, 20 मिनट पहले ट्रेन के आने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने आराम से नाश्ता पानी कर लिया और बाद में फिर एक ये ठंडा अमूल का कुल ले लिया, जिससे कि इस गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली। फ्रेंड्स, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, और अभी बजी है केवल 11:30। अभी आगे आगे देखो क्या होता है फ्रेंड्स। इस ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का नंबर है 14802, जो कि इंदौर से सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे निकलती है और जोधपुर पहुंचती है 7:40 पे शाम को। टोटल 28 स्टॉप है इस गाड़ी के और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है और 741 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाती है 15:10। फ्रेंड्स, और वाया इंदौर से निकलते हुए रतलाम चित्तौड़गढ़ होते हुए भीलवाड़ा के रास्ते अजमेर निकलते हुए पहुंचती है जोधपुर। ये है फ्रेंड्स हमारी कोच का नज़ारा, भाई देख सकते हैं आप, सभी लोग आराम से बैठे हैं, कोई ऐसा रश नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये है हमारी सीट, देख सकते हैं, ये लोअर साइड, लोअर बर्थ। एक बज के 3 मिनट पे हम लोग आ चुके हैं नसीराबाद, और नसीराबाद मुख्य रूप से कैंट एरिया है और इसके बाद अगला स्टेशन अजमेर है। तो देख सकते हैं यार यहाँ का नज़ारा, देखते हैं क्या है यहाँ पे फेमस कुछ खाने की। ये भाई साहब ठंडी बियर। भैया ये क्या है यार? भैया कचौरा फेमस है, कितने का कचौरा है भैया? 100 रुपये का एक भाई, 100 रुपये का एक कचौरा। भाई 100 रुपये का एक कचौरा मिल रहा है यहाँ पे और 50 का आधा कचौरा मिल रहा है नसीराबाद में फ्रेंड्स, तो जिसको भी खाना है वो खा सकता है फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड, 497 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपन लोग आ चुके हैं अजमेर। स्टेशन कोड है ALL। अजमेर की बात की जाए तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जा रही है सीधे अहमदाबाद के लिए और जयपुर के लिए, जो सीधे दिल्ली के लिए जाती है फ्रेंड्स। और घूमने फिरने की बात में करें तो अजमेर प्रसिद्ध है यहाँ की दरगाह के लिए, लाखों श्रद्धालु आते हैं दरगाह पे माथा टेकने के लिए। और वहीं बात करें तो पुष्कर जी जो तीर्थस्थल है वो भी काफ़ी पास में है यहाँ से, यहाँ से पुष्कर जी के लिए भी आप जा सकते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉफ़ी वाला देना भी, हाँ कॉफ़ी, हाँ ये नहीं नहीं वो कॉफ़ी वाला, हाँ वो, हाँ ये 40 वाला लाओ, दो 40 कर दो। अमूल कूल कैफे, एक नंबर चीज़ है, गर्मी में मज़ा आ जाएगा इसमें। ले लिया हमने अमूल का कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, जो कि गर्मी में यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा और लेना चाहिए यार इसी गर्मी में, हमने भी ली है, 40 रुपये का मात्र पड़ा। मेरे पीछे देखेंगे फ्रेंड्स तो खड़ी हुई है जम्मू तवी अजमेर गाड़ी, ये देख सकते हैं,
ये जाएगी जम्मू तवी के लिए, और ये है हमारा अजमेर स्टेशन जो काफ़ी शानदार दिख रहा है यार फ्रेंड्स। देखें अजमेर में हमारा लोको रिवर्सल होता है और इलेक्ट्रिक इंजन निकल के डीजल लोकोमोटिव लगता है, और ये हमारा डीजल इंजन, इसकी कपलिंग हो गई है फ्रेंड्स। कपलिंग हो गया भैया, हो गया। ये फ्रेंड्स हमारा डीजल आबू रोड का देख सकते हैं, ये लगा है फ्रेंड्स, वेब फोर कट गया और डीजल हमारा लोकोमोटिव लग गया। फ्रेंड्स देखें जम्मू तवी अजमेर गाड़ी भी निकल गई है जम्मू तवी के लिए,